खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। यूपी के संभल में बड़ा हादसा हो गया, कोल्ड स्टोरेज का हिस्सा गिरा है, 15 से 20 लोगों के दबे होने की आशंका बनी है। वहीं राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है, रेस्क्यू लगातार जारी है। तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां 15 से 20 लोगों के दबे होने की आशंका। और देखिए किस तरह से अफरा तफरी का माहौल, वहां स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई क्योंकि यूपी के संभल में ये बड़ा हादसा। हालांकि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है, वहां पोकलेन मशीन पहुंची है और मलबे को हटाने का लगातार कार्य किया जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज का ये हिस्सा जो गिरा और जिसके बाद कई लोग इसमें दबे हैं, ये आशंका। हालांकि हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि यहाँ कम से कम जनहानि हुई हो, क्योंकि जो आंकड़ा फिलहाल कह रहा है कि 15 से 20 लोग इसमें दबे हैं। हालांकि हादसा किस वजह से हुआ, ये तमाम सवाल इसके बाद खड़े हो गए, लेकिन पहला कार्य लोगों की जान को सुरक्षित रखना, ऐसे में मलबे को वहां से हटाया जा रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ यूपी से संवाददाता सुनील मिश्रा जुड़ गए हैं। सुनील, कोल्ड स्टोरेज का हिस्सा गिरा है, फिलहाल कहां तक पहुंचा राहत कार्य, 20 से 15 लोग दबे हैं, क्या आंकड़ा और बढ़ सकता है क्या? देखिए दरअसल ये 11:30 बजे की घटना है और ये हादसा जो है चैम्बर फटाया कोल्ड स्टोर का, जनपद संभल और बदायूं के बॉर्डर के स्थित तो औरची चौराहे का ये पूरा मामला है। और डीआईजी सलम माधुर जो है मुरादाबाद पहुंच गए हैं मौके पे, दोनों जनपदों के जो है आला अफसरान मौजूद हैं यहाँ और राहत एवं बचाव कार्य जारी है। लगभग 2.5 घंटे से जो है रेस्क्यू जारी है। जी शिका जी, जी सुनील, किस वजह से हादसा हुआ, क्या प्रथम दृष्टया मामला निकल कर आ रहा है सामने? देखिए इसमें जो है लगभग 35 मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन जिस समय यह हादसा हुआ है उस समय लगभग 20 से 25 मजदूर जो है वहाँ मौजूद थे और अभी हादसों की जो है कारण निकल के स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लिहाजा जो है उसमें दबे हुए हैं उनको निकालने का कार्य जारी चल रहा है। जी फिलहाल किसी को निकाला गया है क्या, क्योंकि 15 से 20 लोग बताए जा रहे हैं? देखिए दो लोग को निकाला गया है, वो साकुशल निकले हैं, लेकिन अभी जो है आशंका ये है कि 23 लोग और हो सकते हैं अंदर। जी सुनील, मलबा कितना है वहाँ, क्या परेशानी आ रही है रेस्क्यू करने में, क्योंकि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वहाँ भीड़ जुटी है और जेसीबी और पोकलेन मशीन भी वहाँ पहुंची है क्योंकि राहत यहाँ लोगों को देनी है, मलबा हटाना है। देखिए मैं वहाँ मौजूद हूँ, हादसा स्थल पर ही हूँ, इस समय लोगों का तांता लगा हुआ है और जो है लगातार लोग जो है इसको देख रहे हैं और बचाव आने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन के साथ साथ लोग भी जुटे हुए हैं और जो कोल्ड स्टोर का मलबा है वहाँ उसके साथ जो आलू की जो बोरियाँ होती है वो भी मलबे में दबी हुई है, तो वो उसमें दबे होने की पूरी आशंका है। वो किस स्थिति में निकलेंगे ये तो निकलने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी शिका, आपने कहा क्योंकि 11 बजे के आसपास का ये हादसा है, काफी घंटे हो गए, तो किस तरह से कार्रवाई को शुरू किया गया, क्योंकि 11 बजे जब यह हादसा हुआ इसकी जानकारी सबसे पहले किसे लगी और उसके बाद क्या क्या कदम उठाए गए? देखिए सबसे पहले बदायूं प्रशासन यहाँ पहुंचा, उसके बाद संभल का मामला था तो संभल प्रशासन पहुंचा और धीरे 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 दोनों ही जिले के अफसर वहां पहुंच गए, उसके साथ साथ जो है एम्बुलेंस सेवा स्वास्थ्य विभाग की लगी हुई है। किस स्थिति में ये जो दबे लोग हैं वो बाहर निकलेंगे ये निकलने के बाद ही पता चल पाएगा, आगे कार्य जारी है। सुनील, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या वो अभी की तस्वीरें हैं या फिर कुछ अपडेट हुआ है इस मामले में? नहीं नहीं बिल्कुल अभी की तस्वीरें हैं, ये बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं हम और वहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं और थोड़ी दूर पर राहत कार्य है लेकिन कुछ दूरी बना उसे मलबे को हटाया जा रहा है। चलिए सुनील, ताजा तस्वीरें साझा कर रहे हैं और राहत की बात है कि दो लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।